हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप नई नई वीडियो रेसिपी आपके पास हम भेज सकें। आपका अंकुल किचन में स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने, वो भी सिंपल भिंडी नहीं, मसालेदार भिंडी, चटपटी सी। ये भिंडी आधा केजी है। इसे दोस्तों पहले इसको भिंडी को टुकड़े में करेंगे, क्योंकि ये लंबी भिंडी है, इसे तीन टुकड़े करेंगे। उसके बाद इसको चीरा दे देंगे। अगर छोटी भिंडी है तो इसमें दो टुकड़े किया जाएगा। प्याज को हम कद्दूकस करें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्लाइस बनी रहती मिक्सर में, इसलिए नहीं पीस रहे इसे को, क्योंकि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। ये चार टमाटर है, इसे पीस लिया जा रहा है। इसको ग्रेवी के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों हम आलू इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे को जरूरी नहीं कि भिंडी पसंद आए, वो लोग आलू ढूंढते हैं सब्जी में, इसलिए ये सब्जी बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इसे टुकड़ों में काट लेंगे। लहसुन और मिर्ची इसलिए कूट रहे हैं क्योंकि ये फ्लेवर देने के लिए होता है। हमारा लहसुन और मिर्चा कूट के तैयार हो चुका है। तेल गर्म हो चुका है। अगर आप भिंडी की सादी सब्जी खाने से उब गए हैं तो आपको टेस्ट में कुछ चेंज चाहिए। अब आप मसालेदार सब्जी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। भिंडी भून के तैयार हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें आलू डाल के भून लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पचफोरन डालेंगे। हमारा तड़का चटक चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भून के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन मिर्चा डालेंगे। हम टमाटर का प्यूरी डालने जा रहे हैं। इसको 5 मिनट पका लेंगे। हमारा टमाटर भून के तैयार हो चुका है, अब इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है। अब इसमें हम जीरा, धनिया और गरम मसाला डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए आधा चम्मच बेसन डालेंगे। मसाले को भूनने के लिए इसमें पानी डालेंगे। हमारा मसाला भून रहा है, लगभग 5-10 मिनट लगेगा भूनने में। हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें हम भिंडी और आलू दोनों मिक्स करेंगे। भिंडी और मसाले मिक्स कर दिए हैं, 2 मिनट ऐसे पकाएंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, जितना हमको ग्रेवी रखना होगा उस हिसाब से अपने क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे। मेरा भिंडी पक चुका है, हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जैसे कम बेसी जिसको खाना है उस हिसाब से अपने नमक डाल सकता है। भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुका है, अब इसे हम धनिया डाल के सर्व करेंगे। चाहे चावल के साथ खाइए, चाहे पराठा खा, चाहे या पूरी के साथ है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।